पल पल की जानकारी हम आपको देंगे। मैं संदीप सैनी उलाना कला से। मुख्यमंत्री बनता नहीं पड़ेगा 100%। जिसको राखे साइयां मार सके। संसार क्रांति चैनल के माध्यम से जो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, उनके स्वागत के लिए भारी मात्रा में लोग यहाँ मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए जहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए पुख्ता, और सामने हेलीकॉप्टर जो दिखाई दे रहा है, ये सांसद जी के लिए गाड़ी जा रही है जिसमें वो अभी यहाँ से निकलेंगे। आइए हम यहाँ कुछ लोगों से जानते हैं। भाई साहब, यहाँ बारिश में खड़े हो, भीग रहे हो, किस लिए आपका इंतजार कर रहे हैं? बारिश का तूफान भी है तो भी इंतजार करेंगे उनके स्वागत के लिए। क्या लगता है आपको, इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? मुख्यमंत्री बनता नहीं पड़ेगा 100%। संसार क्रांति चैनल के माध्यम से और लोगों का भारी हजूम यहां मौजूद है, उनके स्वागत के लिए संसार क्रांति की टीम आपको यहां दिखा रही है। सांसद राजकुमार सैनी के पहुंचने पर यहां भारी मात्रा में लोग मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी प्रबंध किए गए हैं। चारों तरफ देख सकते हैं आप, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे जो यहाँ संसार क्रांति के न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद राजकुमार सैनी जी यहाँ पहुँचे हैं, सांसद जी इतनी बारिश में इतना बड़ा जनसमूह आपके स्वागत के लिए यहाँ खड़ा है, कैसा लग रहा है आपको? ये सबका प्यार है लोगों का, और इस प्यार को देख के ही मैं जो है ना ये बात कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से लोगों को पिछले दिनों का आक्रोश है जनता में, ये पूरे देश का व्यवस्था है। जैसा कि हमने भी देखा, पंडाल में भी पैर रखने की जगह नहीं है आपके इंतजार में, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सब जो है ना जनता का प्यार है, और आने वाले 2019 में हम इस सिस्टम को बदल के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संसार क्रांति से बात करने के लिए। मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन सहयोगी सुनील यादव के साथ। मैं उन सभी पानीपत निवासियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, जो सम्मान उन्होंने हमें दिया, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पानीपत की धरती एक वीरों की धरती रही है, और जब भी पानीपत के लोगों ने ठाना है वो युद्ध उन्होंने जीत के ही दम लिया है। आज तक वकील बरादरी में कभी उमंग नहीं थी। राजकुमार जी की रैली के लिए जो भावी मुख्यमंत्री है 2019 में है, इतनी रैली है पूरे हरियाणा में एडवोकेट बरादरी में, एक अलग से हमने पंडाल की भी प्रबंध की है। आज तक किसी रैली में एडवोकेट के लिए कोई जगह स्पेशल नहीं निर्धारित की गई, लेकिन पानीपत की रैली में एडवोकेट के लिए हमने अलग से जगह निर्धारित की है, और पूरे हरियाणा से 70% एडवोकेट इस रैली में आएंगे, और पहली बार यह होगा कि एडवोकेट रैली में इतिहास रचा है। आप सभी के बीच में इस लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के इस महायज्ञ के बीच में मौजूद है, इस कहाँ से आया? गांव सोनापुर वार्ड नंबर 21 से। क्या नाम आपका? सोनू सैनी। तो ये आपने जो पेंट किया है शरीर पे, पूरे बदन पे पेंट किया है, राजकुमार सैनी जिंदाबाद भाई राजेश राणा, तो राजकुमार सैनी से क्या ऐसी मित्रता है, क्या क्या खूबी है उनकी? राजकुमार सैनी से अपना बहुत लगाव है, ठीक है, और राजकुमार सैनी जी को हमने विक्की बार हरियाणा में CM बनाना है, ठीक है, और पूरा तय दिल से उसका साथ देंगे और पार्टी का पूरा साथ देंगे। कुछ लोग कह रहे थे भाई बारिश की वजह से रैली बाधित हो जाएगी, और जैसे हम यहाँ भी दिखाना चाहेंगे पानी यहाँ पर भरा हुआ है, और आप इस समय भी मौजूद हैं, पहुँचे हैं यहाँ पर, तो बारिश का क्या असर लगता है, क्या रैली पर कुछ असर पड़ा इस बात? नहीं सर, रैली पर कोई असर नहीं पड़ा है बारिश का, बारिश तो डेली होती है। राजकुमार सैनी जी आज अपनी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमारे को बारिश में भीज गया तो क्या हुआ? तो इस समय हम मंच के पास में मौजूद है, मैं कहना चाहूंगा एक बार कैमरामैन को दिखाएं मंच का दृश्य, जहाँ पर अलग अलग जो पदाधिकारी है उनको ड्यूटी दी जा रही है, उनको पद सौंपा जा रहा है, तो हमारे यहाँ सहयोगी है जसपाल कंचन जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जसपाल जी कैसा लग रहा है, रैली तो है, ये बारिश आ गई थी, एक समय लगने लगा था बारिश की वजह से रैली फ्लॉप हो जाएगी, तो क्या लगता है रैली की, आपने जो संख्या आप देख रहे हैं, क्या रैली सफल मानी जाए?
जी मैं आर्य साहब आपको बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था बारिश की वजह से रैली फ्लॉप हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इतनी बारिश के बावजूद भी वो एक बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं यहां पंडाल पूरा भरा हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगता जो बारिश हुई है उसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत जो व्यवस्था है उसमें कुछ शर्मराहट आई है, व्यवस्था में कुछ गड़बड़ हुई है? जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ अव्यवस्था हुई है बारिश की वजह से और चलने फिरने में, खड़ा होने में दिक्कत है, बैठने में कुर्सियाँ में गीला हो गई तो दिक्कत है, पंडाल टपक रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आर्य साहब मैं बता सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं के जोश में किसी तरह की कमी नहीं आई है। देखिए ये तो आपका साफ तौर पर कहना, रैली फ्लॉप नहीं हुई है, मतलब राजनीतिक जो पंडित है उनके लिए माथापच्ची का काम जरूर हो गया, वो सोचने के लिए मजबूर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास जानकारी भी आ रही है, शहर में चारों ओर जाम लगा हुआ है, भारी ट्रैफिक है और आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर सांसद राजकुमार सैनी का स्वागत किया जा रहा है और एक बड़ी फूल माला के माध्यम से जितने भी समर्थक हैं, जितने भी उनके सहयोगी हैं, तमाम जो अलग अलग वर्गों के जो लोग पहुँचे हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। सांसद राजकुमार सैनी इसमें सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सांसद राजकुमार सैनी जो उनके समर्थक हैं उनका जो उनका सम्मान उनके उनको दिया जा रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं, वो हाथ जोड़ करके तस्वीरों में इसमें आप देख सकते हैं। तो यह जो तस्वीरें हैं संसार क्रांति न्यूज़ पर आप देख सकते हैं, मंच के पास खड़े होकर संसार क्रांति न्यूज़ इस समय सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और पल पल की जानकारी के लिए आप बने रहिएगा संसार क्रांति के साथ। मैं संदीप सैनी उलाना कला से अब की बार फुल सपोर्ट राजकुमार सैनी को, अब की बार सीएम राजकुमार सैनी की तरफ। सांसद सैनी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं? राजकुमार सैनी पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बन पाएंगे, हमारा पूरे जो पब्लिक है पूरी राजकुमार सैनी जी के साथ जुड़ी हुई है। दीपक जी क्या उद्देश्य लेके आए रैली में आप अपने? जिस उद्देश्य से आए हैं कि यहाँ पे जो राजकुमार सैनी जी हैं कि वो इस 2019 के चुनाव में नए मुख्यमंत्री बने। मैं राजस्थान से आया हूँ और गांव गांव में राजकुमार सैनी के लिए पद यात्रा, हर विलेज टू विलेज, हर प्रत्येक सदस्य से मिलकर। क्या आप पैदल चल के आए हैं? आज का जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है एक अपने आप आया है, किसी का गया हुआ नहीं है, किसी को पैसे दे के नहीं लेके आए, ये अपने आप आया और एक दोस्त जोश है। पानीपत की इस ऐतिहासिक धरती के ऊपर 52 साल के हरियाणा में भारी भेदभाव की जो राजनीति हुई है, पिछले कुछ वर्षों से जो तांडव के खिलाफ हम लोग लोकतंत्र सुरक्षा मंच के बैनर के तले सांसद राजकुमार सैनी के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों से जो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब समय आ गया है कि आगे की राजनीति लड़ाई लड़ने के लिए हमने सांसद राजकुमार सैनी जी के संरक्षण में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठन किया है। मैं श्रीपाल सैनी बतौर अध्यक्ष आज पानीपत की इस ऐतिहासिक धरती पर श्री कृष्ण चिदानंद जी के पावन स्थल पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अच्छा, बहुत जो लोगों के लिए सोचे, आम लोगों के लिए सोचे वो हमारी पार्टी। बारिश की वजह से लगा नहीं ये रैली फ्लॉप हो जाएगी, बाधा हो गई बारिश की वजह से, क्या लग रहा है? जिसको राखे साइयां मार सके। तो आप लोग समझ सकते हैं कॉमेडियन जो भारत के बेस्ट कॉमेडियन है राजपाल यादव, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। एक परिवार की वजह से इस देश का बंटाधार हुआ। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कौन लोग हैं जिसकी वजह से देश को इतने
सरदार पटेल के पक्ष में आए थे हमारा नेता सरदार पटेल। लेकिन बात किस में दोस्तों, महात्मा गांधी जी की क्या मजबूरी थी भगवान जाने, लेकिन वो बनाना जवाहरलाल को चाहते थे, जिसके कपड़े पैरी धुलते थे, जिसका गरीबी से दूर दूर वास्ता नहीं था, जिसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे कि मैं भी देशभक्त हूँ। अगर आप बनाना चाहते हो सरदार पटेल को, मैं देश के टुकड़े नहीं चाहता। अगर आप जवाहरलाल को बनाएंगे, मुझे अलग पाकिस्तान चाहिए। साथियों देखिए बदकिस्मती, महात्मा गांधी जी ने पटेल को कहा, पटेल जी अपना नाम वापस ले लो, एक त्याग की मूर्ति जैसा जनाब का आदेश, और दूसरा पल्ला करके खड़ा हो गया कि मैं पढ़ूंगा चाहे एक दिन के लिए बनाओ। जिन्ना ने कहा एक दिन छोड़िए, मैं एक घंटे के भी लिए आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथियों एक व्यक्ति के स्वार्थ ने करोड़ों लोग गदर की भेंट चढ़े, देश के टुकड़े दो हुए। आज एक रुपए में से 50 पैसे हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई में खत्म हो जाते हैं, जिससे इस देश का निर्माण होना था, जिससे इस देश का विकास होना था। लेकिन बदकिस्मती साथियों, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस देश के मुखिया बन गए। नारा लगा गरीबी हटाओ बेरोजगारी हटाओ। राहुल गांधी भी वही भाषण दे रहा है, गरीबी हटाओ बेरोजगारी हटाओ। साथियों देश की 72 साल की आजादी में एक पार्टी 55 साल राज करती है, जनता उनको 12 मौके देती है, 12 बार सरकार कांग्रेस पार्टी चलाती है। जिस पार्टी को आपने 12 मौके दिए साथियों, देश ला करके भूखे लोगों की लाइन में खड़ा कर दिया। अब कांग्रेस के योद्धा एक एकल के में 5-5 डंड फेल रहे हैं। हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस। अरे भाइयों, आप लोगों ने उनको ये पूछना है कि तुमको 12 मौके दिए, 12 मौकों में आपने इस बेहतर समाज को दो 12% में 52 की बजाय 12% पर लाके खड़ा कर दिया और फिर भाषण दे रहे हैं। साथियों कांग्रेस सरकार ने हमारे हरियाणा में 3 मुख्यमंत्री लिए, भजन लाल, बंसी लाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक ही समाज से तीनों मुख्यमंत्रियों ने जम करके परिवारवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया। और साथियों दूसरा एक और एक परिवार और है यहाँ पर जो भाषण दे रहा भ्रष्टाचार पे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, घर से 10 व्यक्ति परिवार के निकलते हैं भ्रष्टाचार पे भाषण देने के लिए, भ्रष्टाचार पे भाषण देने के लिए घर से लेडीज एंड जेंट्स 10 व्यक्ति। देखिए कमाल के भ्रष्टाचार में आता खुणबा अंदर पड़ा, बाकी के लोग आए थे अपनी संपत्ति में अंदर जाने वाले हो रहे और भ्रष्टाचार पे भाषण दे रहे और जनता तालियां फूंक रही है। देखिए कमाल साथियों, 2 मुख्यमंत्री उन लोगों ने लिए, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला। 5 मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा का क्या किया ये बताने के लिए साथियों मैं आज आपके बीच में आया हूं। ये बताने के लिए जब मैं किसी गांव में जाता हूं तब मेरे रास्ते रोके जाते हैं। राजकुमार सैनी यहां नहीं आना चाहिए। राजकुमार सैनी हरियाणा में हुए तांडव का जिक्र ना करे, हमारे मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो किया गया भेदभाव है उसका खुलासा ना करे। अरे साथियों इस देश के अंदर हरियाणा बहुत छोटा सा राज्य है। हम मानते हैं कि एक समाज के लोग 5 मुख्यमंत्री हमारे सर के ताज रहे। हमारे सर के ताजों ने हमारे लिए क्या किया ये खुलासा साथियों, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को आरक्षित लिस्ट में डलवा दिया,
और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के बाद उसे खारिज कर दिया, लेकिन इन 6 सालों में 38,000 नौकरियां सेंटर की आपके हिस्से की और लगभग लाखों नौकरियां 9 राज्यों में गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के बाद खारिज किया, उसके बाद क्या हरियाणा का हाल हुआ? लड़ाई तो कुर्सी की थी कि कुर्सी मुख्यमंत्री की हमारे पास रहनी चाहिए, लेकिन आरक्षण का नाम लेकर के जो हरियाणा का हाल एक बार हरियाणा 1990 में जलाया गया कि बैकवर्ड को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये अब ये हरियाणा जलाया गया 2016 में कि ये आरक्षण हमें ही मिलना चाहिए। साथियों, बदकिस्मती देखिए, एक एक घर एक एक दुकान छांट छांट करके जलाई। आपके सामने बहन बेटियों के साथ रेप हुए, सड़कें जाम रही, लोग मौके के ऊपर पेशेंट दम तोड़ गए, बरातें रुकी खड़ी रही, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हुई। लेकिन ये साबित करके दिखाया कि आप लोग कुछ नहीं हो, हम जो चाहे हम आसमान रोक सकते हैं, हम जहाज रोक सकते हैं, हम रेल रोक सकते हैं, हम साथियों नहर रोक सकते हैं, हम सांस भी रोक सकते हैं, आपकी सांस भी रोक सकते हैं। साथियों, इस व्यवस्था का कहीं ना कहीं हमारे 5 मुख्यमंत्रियों का मेन रोल, सत्ता में चोर वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। मनोहर लाल खट्टर को 6 महीने भगवत दयाल शर्मा रहे, कान पकड़ के उतार दिया, 2 साल बनारसी दास गुप्ता रहे, उनके ऊपर गोली दाग दी गई, उनको हटाने के लिए राव वरिंदर सिंह ले, उसको 10 महीने में हटा दिया। 52 साल के हरियाणा में 3.5 साल वो और 3.5 साल मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री। ये खट्टर पट्टर कहां से बन गया? ये पाकिस्तानी सा जहां से निकला वहीं घुसेड़ करके हाथ लगाए, ये मुख्यमंत्री के बेटे बोलने, इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश के लिए और क्या हो सकता है। साथियों, लक्ष्मी शरण जी कहां से आए हैं आप? गन्नौर से आए हैं। कितनी महिलाएं आपके साथ आई हैं? 10-15 औरतें आई हैं हमारे। अच्छा, किस लिए आई हैं आप यहाँ इतनी बारिश में? अरे, राजकुमार जी की रैली है, वो हमारे लिए कुछ करेंगे, उम्मीद है हमारे से। मैं उनसे कुछ, मैं रोबिन नगड़ मुलाना हड़के से आया हूँ, अपने हमारे ये युवा के नेता हैं, हमारे वो 5 मुद्दों के साथ हमारे मैदान में आ रहे हैं, हमारी गरीब जनता के नेता हैं, हमारे नेता हैं, हम पूरे जोश शोश के साथ आए हैं, आप युवाओं की संख्या देख सकते हैं। डॉक्टर सतीश यादव अध्यक्ष महासभा, इसका अनुमोदन करता हूं। मैं भाई रामराज शर्मा जी को इस पार्टी का, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का उपाध्यक्ष घोषित करता हूं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? आज की जो रैली हुई है वो पानीपत की 4थी लड़ाई के लिए हुई है, और जो आने वाला समय है वो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का है। सांसद जी ने जितनी यहाँ पे भीड़ थी उससे काफी अधिक, हमारी सोच से काफी अधिक यहाँ पे भीड़ एकत्रित हुई है। मौसम इतना खराब होते हुए भी इतनी संख्या में यहाँ पे जनमानस पहुंचा है, इसके लिए मैं पूरी जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज की जो रैली हुई है जी, ये आज की रैली नहीं है, ये हमारे कई हजार वर्षों से जी, हमारे बुजुर्गों की जो मेहनत है उसका नाम राजकुमार सैनी है। हर धर्म के, हर वर्ग के, हर जाति के लोग यहाँ पर आए हैं, उन्हीं में से हमारे साथ चर्चा में मौजूद है सिख समाज से एक हमारे बंधु। हम जानना चाहेंगे आपसे, जो आप आज की रैली हुई है, आप कहाँ से आए हैं और इस रैली से आपको कैसे क्या देखने को मिला?
सर मैं पंचकूले तो आया हैगा जी, मैं राजकुमार दी रैली तो बहुत प्रभावित होया। राजकुमार ने जो नवी पार्टी बनाई लोकतंत्र सुरक्षा मंच जी, वो दलितों के ते सारे भाईचारे नूं लेके जो चल रहे हैगे, मैं उन्हां तो बहुत ही उन्हां दा प्रशंसक होकर मैं इतने पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। तहसील नरवाना जिला जींद से है, गांव बेलदरखा से है। आने वाले टाइम के सीएम राजकुमार सैनी जी हो गए। बहुत टाइम पहले अंबेडकर मिले थे, आज के टाइम में हमें राजकुमार जी मिल रहे हैं ऊपर उठाने के लिए। राजकुमार आगे बढ़ो। हम हरियाणा यूपी उत्तर प्रदेश बॉर्डर से है। हमने पहली बार जीवन के इतिहास में किसी रैली में बिना किराए की भीड़, तमाम रैलियों में राजनीतिक जितनी पार्टियां होती है सब किराए की भीड़ लाते हैं, पैसा देकर भीड़ लाते हैं, लेकिन राजकुमार सैनी की पहली रैली मैंने हरियाणा में पानीपत में इस प्रकार की देखी है कि प्रत्येक व्यक्ति दिल से और भाव से रैली में आया है और अपने राजकुमार सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर वापस जा रहा है।